एनटीए की जो नई वेबसाइट है उसमें अगर हम इफ़ वी फॉरगोटेन आवर पासवर्ड देन व्हाट हैव टू डू, तो बिल्कुल ही इजी है। मुझे भी काफ़ी परेशानी हुई थी। फर्स्ट थिंग ये मैं टाइप करने वाला हूँ एक वेबसाइट नहीं हो रहा, ये वाली वेबसाइट है, ये आप लोग नोट कर लें, https, ये वाली वेबसाइट एज इट इज़ आप कॉपी करके या टाइप करके अपने सर्च बार में डालोगे और एंटर करोगे, ये आपको ओपन होगा। ठीक है, वैसे सर्च करने पे तो नहीं मिल रहा है, बट मैंने काफ़ी मुश्किल से ये ढूंढा है। फिर इस पर दो ऑप्शन रहेगा आपको, प्लीज़ सेलेक्ट मी, दो ऑप्शन, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड, आई फॉरगॉट माई एप्लीकेशन नंबर। आप अगर एप्लीकेशन नंबर आपने नहीं है आपके पास, तो ये इसमें क्लिक करके कंटिन्यू करना, या फिर अगर आपके पास फॉरगॉट आपने पासवर्ड अपना बुला दिया है, तो इसमें लेके कंटिन्यू करना है। पासवर्ड में फिर कंटिन्यू करने पर आपको तीन ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड इट्स आंसर यू चूजन डूइंग फ्रॉम फिलिंग। आपने जब फाइलिंग किया है फॉर्म अपना, तो उस टाइम आपसे एंट्री करवाए होंगे एनटीए वालों ने सिक्योरिटी क्वेश्चंस, अगर आपको वो याद है तो इस पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है, वरना अगर आपने मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया है उसमें एक टेक्स्ट आएगा वाया उसके करना है, या फिर यूजिंग ए रीसेट लिंक वाया ईमेल, अगर आप अपने ईमेल पे फिर से एक नया लिंक चाहते हो पासवर्ड रीसेट करने के लिए, तो इसमें कंटिन्यू करना है। तीनों में से कोई भी कंटिन्यू करने पे, लाइक आई एम कंटिन्यू विथ द सेकेंड ऑप्शन, ओके कंटिन्यू, देन ये आपको नीड होगा यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, DOB, और केस सेंसिटिव सिक्योरिटी पिन जो कि ये वाली है, ये है ना, ये वाली पिन है। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है अपना, DOB डालना है, और ये वाली पिन एज इट इज़ इसमें है ना टाइप कर देनी है, फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको एक लिंक होगा जो आपके मोबाइल पे जाएगा, एक पिन जाएगा, और यहाँ पे जो एक नया पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको एक बॉक्स आएगा, उसमें मोबाइल में जो पिन आया हुआ है उसको सबमिट करना होगा, ठीक है, फिर रीसेट करने का यहीं पे ऑप्शन देगा दूसरे लिंक में आपका, फिर आप इजीली फिर से रीसेट कर पाओगे अपना पासवर्ड। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी लोगों को आ रहा है, मुझे भी आया था, तो मैंने ये सोल्यूशन ढूंढा, दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।